तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब कार स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की हम क्रैश कोर्स आपको करवा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एक वीडियो डाल दिया जिसमें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की पार्ट वन किए हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट टू करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, और उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे, इस चैप्टर के भी पीडीएफ मिलेंगे, साथ ही साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलने वाले उसमें, जो कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो हमारा पहला फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है फोर्स बाई एरिया, सेम टू सेम यही होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स की न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो गया पास्कल। आगे हम देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास का होता है केजी और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ क्यूब यानी कि मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब हो गया। अगला है स्ट्रेंथ। तो देखिए, स्ट्रेंथ की सबसे इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय लेंथ। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक तरह का लेंथ है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर बाय लेंथ। लेंथ का भी मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट जाता है तो बच जाता है 1, तो इसलिए इसका 1 हो गया। अगला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो देखिए, ये जो यंग मॉडुलस है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रेस और ये वाला स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का तो 1 होता है, तो इसलिए इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और पास्कल। ठीक है, आगे है पॉइजंस रेशियो। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये है ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन यानी कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका भी कट करके 1 हो जाएगा, दोनों तो स्ट्रेन ही है, तो स्ट्रेन स्ट्रेन कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगला है यहाँ पर लेंथ पैरामीटर लैम्डा और माइक्रो, तो ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, हमने लेंस पैरामीटर का देख लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे है मोमेंट, मोमेंट यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो डिस्टेंस का मीटर होता है, फोर्स की न्यूटन होती है, तो इसलिए इसका न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड, तो इसलिए न्यूटन सेकंड हो जाएगा इसका। अगला है लीनियर मोमेंटम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने देख लिया लीनियर मोमेंटम, अब अगला है आपका एंगुलर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में फ़र्क क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी दोनों में होते हैं, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, बट यहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है एंगुलर, क्योंकि वो एंगुलर लेंथ की डिस्टेंस यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस का मीटर, मास का के जी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगला यहाँ पे वर्क। तो देखिए, वर्क एनर्जी और हीट, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, तीनों एक तरह की क्या है, एनर्जी है। तो जब तीनों एक प्रकार की एनर्जी है, तो तीनों की यूनिट भी हमेशा एक होगी, जिसका नाम है जूल। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और देखिए एक और टाओ, टाओ यानी कि टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, टी ओ आर क्यू यू ई, तो ये एक टॉर्क होता है, टॉर्क की भी यूनिट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो वर्क और टॉर्क दोनों एक ही तरह की होती है, दोनों की यूनिट एक ही होगी। ठीक है, तो इस किस में फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है क्या, जूल कहा जाता है। न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल। अगला है आपका एनर्जी। तो एनर्जी सेम वही है, इसकी एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क यहाँ पे हो गया, वर्क यूनिट है न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो ये डब्ल्यू जो होता है ये वर्क डन होता है, टी होता है टाइम होता है। ठीक है, तो वर्क बाय टाइम, तो वर्क बाय टाइम हो गया न्यूटन मीटर और टाइम का पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए इसका वाट आ जाता है यूनिट। अब हम देखते हैं हीट। तो हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हीट का जो डिफिनेशन होता है वो वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क, वर्क की क्या होती है, जूल होती है। वर्क, एनर्जी, हीट, ये सब के जूल होते हैं, टॉर्क के भी जूल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, अब हम यहाँ पे देखते हैं हीट फ्लक्स। तो हीट फ्लक्स का मतलब हुआ हीट रेट बाय एरिया। ठीक है, हीट रेट बाय एरिया, तो हीट का होता है वाट और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर हो गया।
टेम्परेचर की ये तो बेस यूनिट है, आपको पता है केल्विन। अगला है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट चेंज बाय टेम्परेचर चेंज, यानी कि हीट चेंज होते होने के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होती है, तो उसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन। अगला है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए मैं कह दे रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है हीट कैपेसिटी बाय यूनिट मास। तो इसका जो यूनिट बन जाता है ये बन जाता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी जैसे कि यहाँ पे हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी, जूल पर केजी। तो यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन पर केजी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यहाँ पे हो जाएगी हीट कैपेसिटी बाय यूनिट मास, जिसका यूनिट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा। थर्मल कंडक्टिविटी की होती है हीट फ्लक्स बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका हो जाएगा हीट फ्लक्स की डब्ल्यू, ठीक है, वाट पर मीटर पर केल्विन। अगला है डायनेमिक विस्कोसिटी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका होता है शियर स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका यूनिट हो जाता है केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला आपका सरफेस टेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका डेफिनेशन होता है एनर्जी बाय एरिया, तो एनर्जी की जूल होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।